तो दोस्तों बात करना है कि दाखिल खारिज स्टेटस के बारे में बात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको न्यू प्रोसेस के माध्यम से आपका एप्लीकेशन स्टेटस है आपको चेकआउट आपको किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं इसका वेबसाइट खोले हैं बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। अभी इस वेबसाइट पे आके जैसे ही आप लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते होंगे तो पहले आपको केस नंबर मिल जाता था, बट यहाँ पर न्यू प्रोसेस आपको आ गया है। ठीक है, आप न्यू प्रोसेस से अप्लीकेशन स्टेटस चेकआउट करेंगे। तो किस तरह से चेकआउट करेंगे इस वीडियो बताने वाले। तो जब तक मेरे चैनल बगद रहे हैं, अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए क्योंकि और लोग को भी जानकारी हो सके। यहाँ पर देंगे तो सबसे पहले इसका वेबसाइट पर चलाएंगे, पर जैसे ही दाखिल खारिज आवेदन इसके स्थिति वाला में चेक करेंगे तो आपका इस तरह से पेज खुलता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले जिला अपना चूज करना होगा। ठीक है, किस जिला के अंतर्गत आते हैं वो जिला चूज करेंगे, अंचल चूज करना होगा, वित्तीय वर्ष बताना होगा। ठीक है, किस वर्ष के लिए आप देखना चाहते हैं। उसके बाद हम फोरशीट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए किस नंबर से बोला जाए कि आप किसके माध्यम से सर्च करना चाहते हैं, यानी अप्लीकेशन स्टेटस चेकआउट करना चाहते हैं, जैसे कि केस नंबर हो गया या डीड नंबर हो गया, उसके बाद मौजा से नहीं तो प्लॉट नंबर भी। तो यहाँ पर प्रोसेस ये बताया कि इस प्रोसेस के माध्यम से कौन सा ऑप्शन चूज करके आप अप्लीकेशन एडिटर चेकआउट करेंगे। बट अभी जो है नया दाखिल खारिज करेंगे तो यहाँ से आप चेकआउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपको अभी आप लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे, फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका मोबाइल पर एक अप्लीकेशन TEM जो कि आपको अप्लीकेशन नंबर रहेगा TEMP ऑब्लिक कुछ संख्या आपको रहेगा जैसे 5-6-7 उस वक्त ऑब्लिक 2024-2025 इस तरह से आपको ईयर देखने के मिलेगा, तो उसी टेम्प नंबर के माध्यम से आपको चेकआउट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चेकआउट करने के लिए आपको फिर से अपना लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, जैसे हम लॉगिन कर चुके हैं यहाँ पे लॉगिन जैसी रहेगा तब देखिए और लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं इस पोर्टल पर। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको टेम्प नंबर से चेक करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको बताएं कि जब दाखिल खारिज के लिए आवेदन कंप्लीट कर दीजिएगा यानी फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो आपका मोबाइल पर आपको SMS के द्वारा जो कि मोटेशन अप्लीकेशन नंबर देखने के मिलेगा जो कि इस तरह से रहेगा, लिखेगा अप्लीकेशन नंबर में TEMP ऑब्लिक आपको संख्या रहेगा जैसे कि 425 या 102 105 इस तरह से जो भी आपको संख्या रहेगा, उसके बाद ऑब्लिक रहेगा और आपको उसमें ईयर रहेगा 2024 से 25। ठीक है, आपका इस तरह से टेम्प नंबर आपको देखने के मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल की तरह बता देते हैं कि इस तरह से रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग मोबाइल में मैसेज के द्वारा देख लीजिएगा मोटेशन अप्लीकेशन नंबर इस तरह से लिखेगा जिसमें आपका टेम्प नंबर इस तरह से देखने को मिला है, यही टेम्प नंबर के माध्यम से आपको चेकआउट करना है। ठीक है, तो इसका मोबाइल पर SMS के द्वारा भेजा जाएगा अप्लीकेशन नंबर, तो उसको चेकआउट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे चेक अप्लीकेशन स्क्रूटनी स्टेटस। ठीक है, यानी जब भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर देते हैं, दाखिल खारिज के आवेदन हो जाता है तो आपको स्क्रूटनी के लिए आपको CEO भी आपको चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो चेक अप्लीकेशन स्क्रूटनी स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तब का इस तरह से फिर से पेज खुलेगा और यहाँ पर देखिए स्क्रूटनी स्टेटस अप्लीकेशन। ठीक है, स्क्रूटनी स्टेटस अप्लीकेशन यानी जो अप्लीकेशन नंबर TEMP करके कुछ नंबर है उसको उस नंबर से चेक कीजिएगा। ठीक है, जो कि आपको स्क्रूटनी स्टेटस के लिए आपको स्टेटस बताएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको चूज करना है किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के चूज कर लेंगे। यहाँ पे अंचल चूज करना है जो भी आपका ब्लॉक है। ठीक है, किस ब्लॉक के अंतर्गत अप्लाई किए हैं तो अपना ब्लॉक यहाँ पर चूज कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर चूज कर लेना है। और यहाँ पर अपना जो भी आपको टेम्प नंबर बताएं जो कि इस तरह से टेम्प नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो अप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है जो कि TEMP करके है तो इसको यहाँ पर TEMP स्टार्ट होगा वहाँ से नोट कर लेना है पूरा को। ठीक है, TEMP ऑब्लिक जो भी संख्या रहेगा उसका ऑब्लिक 24-25 इस तरह से ये पूरा को कॉपी कर लेना है। ठीक है, आप अपना मोबाइल में देख कर इस तरह से नोट कर लेंगे और यहाँ पर पेज को फिल कर देना है आवेदन संख्या में और यहाँ पर सर्च कर देंगे। यहाँ पर सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कभी इनवैलिड अप्लीकेशन नंबर बताता है देखने के मिलेगा और इनवैलिड अप्लीकेशन नंबर। तो एक बात बताते हैं आपको, जब भी आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो जिसके मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लॉगिन करके आवेदन करेंगे वही मोबाइल नंबर पर आपको शो करेगा आपको स्टेटस। ये नहीं कि आप दूसरे जमा साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन करवाए हैं दाखिल खारिज के लिए और अपना मोबाइल से लॉगिन करके स्टेटस चेकआउट करना चाहते हैं स्क्रूटनी स्टेटस, तो ऐसा नहीं बताएगा।
उस स्थिति में आपको इनवायलेट एप्लीकेशन नंबर नहीं बताएगा। आप जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग इन करके दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं, ठीक है, उसी मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन करके स्टेटस चेकआउट करेंगे तब आपको यहाँ पर स्टेटस बताएगा। ये नहीं कि आप दूसरे मोबाइल नंबर के डाल के आप दूसरे के मोबाइल नंबर डाल के आवेदन किए हैं और दूसरे के मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन करके आप स्टेटस चेकआउट कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग इन करके आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं तो उसी मोबाइल नंबर से लॉग इन करके आप यहाँ पे स्टेटस चेकआउट करेंगे तब आपका यहाँ पर रिकॉर्ड बताएगा, ठीक है। और नहीं तो आप दूसरे के मोबाइल नंबर से लॉग इन करके आप स्टेटस चेकआउट करेंगे इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर आपको बता देगा, ठीक है। तो आपको बातों का ध्यान रखना है। तो जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग इन करके दाखिल खारिज हुआ है उसी मोबाइल नंबर को लॉग इन करके आप यहाँ पर स्पूटनिक स्टेटस चेकआउट करेंगे। ये नहीं कि दूसरे के मोबाइल नंबर से लॉग इन करके आप स्टेटस चेकआउट नहीं कर पाएंगे। जिसके माध्यम से आपको अप्लाई किया गया है लॉग इन करके मोबाइल नंबर से, वही मोबाइल नंबर से लॉग इन करके आप यहाँ पे स्पूटनिक स्टेटस चेकआउट करेंगे तब यहाँ पे स्टेटस बताएगा, अन्यथा यहाँ पर इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर बताएगा। और जिस मोबाइल नंबर से जैसे आप यहाँ पे आवेदन करिएगा ना, तो यहाँ पर नीचे आपको शो करेगा ऑटोमेटिक कि उस मोबाइल नंबर से लॉग इन करके किनको किनको दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया है, यहाँ पे नीचे में आपको वही शो करेगा। और जब आपका स्क्रूटनी कंप्लीट होता है, स्क्रूटनी कंप्लीट होने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपका जो है केस नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। और केस नंबर मिल जाएगा तो यहाँ पर दाखिल करिए चेकअप वाला पर क्लिक करके अपना आसानी से चेकआउट कर लेंगे आवेदन की स्थिति इसके माध्यम केस नंबर के माध्यम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्क्रूटनी किया जाएगा, स्क्रूटनी के बाद ऑटोमेटिक आपको अलॉट किया जाएगा केस नंबर, जो कि सभी जो हम बात बता रहे हैं सभी आपको मोबाइल में SMS के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इस पहले आपको स्क्रूटनी के लिए रिसीव किया जाता है, स्क्रूटनी होने के बाद आपका केस नंबर अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति चेकआउट करने के लिए प्रोसेस हो गया। तो चलिए इस ब्रोता ही मिलते हैं फिर किसी ने ब्रो के साथ।